हाय फ्रेंड्स, आलम को बोल रहा हूँ। अब देखिए, जैसा कि इंडिगो ECS का स्टार्ट नहीं हो रहा है, सेल्फ नहीं ले रहा है, ठकठक हो रहा है। आओ उसे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि आपने देखा, इग्निशन मोड़ रहा हूँ, स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठकठक हो रहा है, कभी कभार स्टार्ट हो जा रहा है। इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ठकठक हो रहा है, ठकठक होता है। चलो उसको सेल्फ की तरफ चलते हैं, कनेक्शन चेक करते हैं आगे, वहाँ पे करंट जाता है कि नहीं, उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। जैसा कि आपने देखा, मैं कनेक्शन चेक कर रहा हूँ, कनेक्शन सही है, सनलाइट स्विच की प्रॉब्लम आ रही है। खोल कर सनलाइट स्विच दिखा रहा हूँ आपको, सनलाइट स्विच का प्रॉब्लम क्या हो रहा है। जैसा कि आपने देखा, मैंने सनलाइट स्विच खोल दिया हूँ, सनलाइट स्विच की प्रॉब्लम है, यही का इसका ठकठक होने का कारण है, सनलाइट स्विच की ही प्रॉब्लम है। दूसरी सेल्फ की सनलाइट स्विच खोल कर इस पर लगाते हैं और देखते हैं स्टार्ट हो रहा है या नहीं। जैसा कि आपने देखा, मैं दूसरा सनलाइट स्विच लगाया इस पर, सेल्फ पे सही है, और इसको लगा कर स्टार्ट करेंगे, इंजन में लगा कर स्टार्ट करेंगे। सेल्फ में कंप्लीट हो गया, सेल्फ दिखा रहा हूँ अभी, उसके बाद इंजन में फिटिंग करते हैं। ये देखो फिट हो गया, स्टार्ट कर रहा हूँ अभी इग्निशन ऑन किया, स्टार्ट मारूंगा अभी, स्टार्ट करा, देखिए स्टार्ट हो चुका है पूरा क्विकली। देखिए दोस्तों, जैसे आपने देखा, मैंने सेल्फ स्टार्ट किया, सही हो रहा है, और बाकी दो तीन बार ऐसे ही स्टार्ट करके देखता हूँ सही है कि नहीं, सेल्फ लग रहा है कि नहीं। जैसे कि आपने देखा, मैं 4-5 बार सेल्फ लगाया, सही हो रहा है, गाड़ी ओके हो गया। तो आपको जब मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।